वेलकम टू जुनूस किचन। आज का रेसिपी है मलाई कोफ्ता, ग्रेवी है और कच्चा कीमा के ये कोफ्ते बना के हम लोग ग्रेवी बनाया है। बहुत ही अच्छा बनता है ये, और ये एक डिफरेंट स्टाइल का रेसिपी है तो सब लोगों को अच्छा लगेगा। तो देख लीजिए इसको मैं कैसे बना रही हूँ और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ। इस रेसिपी के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है और ग्राइंडर में इसको मिंस्ड चिकन कर लिया है। 400 ग्राम होगा ऐसा चिकन है हमारे। तो इसको कोफ्ते बनाने के लिए हम लोग क्या क्या लिया है देख लीजिए। 2 मीडियम साइज़ ऑनियंस को मैंने फाइनली चॉप्ड कर लिया है। 1 ग्रीन चिल्ली फाइन चॉप्ड, इसका सीड्स निकाल के बाहर फेंक दिया है, ओनली चिल्ली पोर्शन। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है एकदम बारीक कटे हुए। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है मैंने। 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो ये सारे चीज़ों से हम लोग फर्स्ट कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ये सारे चीज़ें, तो सारे चीज़ें मिक्स करने के लिए डाल देंगे हम लोग इसमें चिकन में जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऑनियन, ग्रीन चिल्ली, हरा धनिया और जो मसाला जो दिखाया था आप लोगों को वो सारे चीज़ें ऐसे ही मिक्स कर देंगे हम लोग। जितना इंग्रेडिएंट्स डिस्प्ले में था उतना इंग्रेडिएंट्स एक साथ में मिला के हम लोग अभी मिक्स कर रहे हैं। अब कोफ्ते बनाने के लिए हाथ में थोड़ा सा पानी से ग्रीजिंग करके इसको राउंड राउंड शेप्स का ऐसे ही कोफ्ते बनाते जाएंगे हम लोग। जो कोफ्ते होंगे उसको शेप्स देना है ऐसे ही राउंड राउंड और पानी से ग्रीजिंग करना है। तो सारे कोफ्ते ऐसे रेडी कर लेंगे हम लोग। मेरे सारे कोफ्ते बन के रेडी हो गया है। अब दूसरी स्टेप्स की तरफ जाते हैं। ग्रेवी बनाने का जो इंग्रेडिएंट्स है ये डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है देख लीजिए। 3 ऑनियंस को मैंने पेस्ट बना लिया है। 3 मीडियम साइज ऑनियन है मेरा, उसको ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लिया है। 1 टेबलस्पून जैसा होगा कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर है। 3 ग्रीन चिल्ली को हेड पार्ट में ऐसे कट करके रख दिया है। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। 2 टेबलस्पून कर्ड है। 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम लिया है मैंने, मलाई जो है। 2 टेबलस्पून ऑयल, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, एंड 1 टीस्पून चिकन ग्रेवी मसाला लिया है। कोई भी मसाला जो चिकन का होता है वो आप ले सकते हैं। तो ये मसाला में से ये चाहिए इस ग्रेवी में। अगर आपको ऑयल थोड़ा कम चाहिए तो मैंने जो 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है उसमें आप लोग कम कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून बना सकते हैं, क्योंकि मलाई में से भी ऑयली पार्ट होगा तो ऑयल भी कम कर। अब ग्रेवी बनाने के लिए मैंने एक पैन रख दिया है। हीट होने के बाद उसमें जो मेरा 2 टेबलस्पून ऑयल दिखाया था उसको डाल रही हूँ। ऑयल को अगर थोड़ा कम करना है इस ग्रेवी में तो इधर आप 1 टेबलस्पून ऑयल डालने से ही काफ़ी होगा। मैं थोड़ा सा ऑयली बना रही हूँ इसलिए मैं 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद उसमें हम लोग, ऑयल अच्छी तरह से हीट होने के बाद इसमें मैं अपना जो ऑनियन पेस्ट बनाया है उसको डाल रही हूँ। ऑनियन पेस्ट को डालने के बाद मीडियम टू हाई फ्लेम में इसको थोड़ी देर 2-3 मिनट्स तक हम लोगों को फ्राई करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनियन पेस्ट से बहुत ही पानी निकलता है और इसको अगर अच्छी तरह से आप लोग फ्राई नहीं करेंगे तो एक कच्चापन रहेगा अपना ग्रेवी में। तो इसलिए इसको हम लोग ऐसे ही चम्मच चलाते हुए 2-3 मिनट्स तक फ्राई। ऑनियंस को मैंने कवर करके ड्राई किया है और सॉटे किया है। 3-4 मिनट्स तक ऐसे ही मैं इसको सॉटे किया है। तो इसमें देख सकते हो आप लोग लाइट गोल्डन कलर आ गया है, तो ये परफेक्ट है। इसमें अभी हम लोग जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद भी 1-2 मिनट्स ऐसे ही इसको चलाते हुए रहना है, ताकि जिंजर गार्लिक का जो रॉ स्मेल लेकर आएगा वो चला जाना है। तो ऐसे ही हम लोग इसको थोड़ी देर कर लेंगे सारे चीज़ें मिक्स करके, ऑनियन और जिंजर गार्लिक पेस्ट।
तो मेरा जो ऑनियन और जिंजर गार्लिक का जो एक कंसिस्टेंसी देख सकते हो आप लोग कैसा आया है, साइड में से ऑयल भी दिखाई दे रहा है, मतलब अच्छी तरह से परफेक्टली सॉटे हो गया है, लाइट गोल्डन कलर हो गया है। अब इसमें हम लोग जो हमारा पाउडर्ड मसाला था उसको डाल देंगे, पाउडर्ड मसाला, रेड चिल्ली, चिकन ग्रेवी मसाला और टर्मरिक पाउडर। चिकन कभी भी जो डिस्प्ले में हम लोग दिखाते हैं करी बनाने के लिए, जो रेड चिल्ली पाउडर और सॉल्ट, ये सब अपना हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप डालना है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं तो ये जो 1 टीस्पून रेड चिल्ली मैंने इधर डाला है आप कम कीजिए। तो मैंने अपना जो कर्ड दिखाया था बीट कर लिया था कर्ड को, उसी कर्ड को इधर डाल दिया है। स्लो फ्लेम में कर्ड डालना है, नहीं तो ये फट जाएगा कर्ड। कर्ड और ऑनियन और जो जो पाउडर्ड मसाला था उसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है 2-3 मिनट्स तक। इसको इतना देर तक फ्राई करना है कि जो सरफेस ऑयल सरफेस आउट होना पड़ेगा। तो ऑयल जब मुझे दिखाई दे रहा था, ये जो मसाला मैंने अपने कोफ्ते जो सारे डाल दिए हैं इसमें मसाला में, और ये कोफ्ते डालने के बाद इमीडिएटली अपना स्पून से इसको टच नहीं करना है, क्योंकि स्पून से टच करने से ये टूट जाएगा। ऐसे ही पैन जो होता है या फिर जिस कढ़ाई में आप देंगे इसको डायरेक्टली ऐसे ही हिलाना है, इसको स्पून से टच नहीं करना है। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होने तक इसको 2-3 मिनट्स तक ऐसे ही रखना है, तो उसके बाद ही हम लोग स्पून लगाएंगे। ग्रेवी के साथ कोफ्ते 2-3 मिनट्स तक पका है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया है, अब हम लोग स्पून लगा सकते हैं, हिला सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, वो टूटेगा नहीं। अब मैं इसमें क्या करूँगी, जो अपना जो कर्ड वाला एक बाउल था उसमें से 1 बाउल पानी डाल दिया है। पानी कभी भी आप अपना हिसाब से डालिए। अगर आपको ये जो ग्रेवी है उसको थोड़ा पतला चाहिए, पानी पानी चाहिए, तो और भी पानी डाल सकते हैं, और जितना आपको ज़रूरत है उतना पानी एडजस्टमेंट इधर करना है। कच्चे कीमे का जो कोफ्ता मैंने बनाया है, इसीलिए ये कोफ्ते पकने के लिए भी थोड़ा सा पानी चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, और भी 1 बाउल पानी डाल दूँगी। जैसे मैंने बोला है, पानी अपने हिसाब से ही डालना है, कम या ज़्यादा वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपको कितना ग्रेवी चाहिए, ग्रेवी का कंसिस्टेंसी कितना चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने इधर और भी 1 बाउल पानी डाल दिया है। इस कोफ्ते का पकने के लिए भी मुझे 1 बाउल तक ऐसा पानी चाहिए। मेरा जो ग्रेवी का सॉल्ट है वो अभी तक नहीं डाला है, मैं अभी डाल रही हूँ। मैं 1/2 टीस्पून जैसा सॉल्ट डाल रही हूँ। सॉल्ट अपना हिसाब से डालना है, क्योंकि ये ग्रेवी बहुत थिक हो जाएगा, ग्रेवी का कंसिस्टेंसी कम हो जाएगा, तो उसको ध्यान रखते हुए सॉल्ट डालना है। सॉल्ट कभी ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कोफ्ते में भी हम लोग सॉल्ट डाला है, तो इधर सॉल्ट बहुत ध्यान से डालना है। मेरा जो ग्रीन चिल्ली था उसको भी डाल दिया है। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद नहीं है तो ग्रीन चिल्ली को स्किप कीजिए। अब जो अपने कोफ्ते है उसको कवर कुक करना है, कवर करके 4-5 मिनट्स तक ऐसे ही पकाना है। 4-5 मिनट्स तक मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम में इसको पकाया है। अब ग्रेवी का कंसिस्टेंसी परफेक्ट लग रहा है। आप लोगों को अगर और भी ड्राई ग्रेवी चाहिए तो इसमें हाई फ्लेम करके ड्राई कर सकते हैं। मेरा जो ग्रीन चिल्ली दिया था, मैं वो ग्रीन चिल्ली तीनों को निकाल के फेंक रही हूँ, क्योंकि ग्रीन चिल्ली का जो थिकापन है वो ऑलरेडी ग्रेवी में आ चुका है। तो इतना ही कंसिस्टेंसी मैं रख दूँगी, इससे ज़्यादा ड्राई नहीं करूँगी। अब इसमें फ्रेश क्रीम जो दिखाया था 2 टेबलस्पून उसको डाल रही हूँ, और फ्रेश कोरिएंडर लीव्स जो है वो डाल दूँगी। अब दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करना है ग्रेवी के साथ में। तो ये मलाई जो होता है, क्रीम होता है, उसको कोई भी ग्रेवी में या करी में डालने से जो करी का जो कलर चेंज होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा एक कलर आता है। अगर आप गेस्ट के लिए बना रहे हो कुछ ग्रेवी, तो इसमें ज़रूर मलाई डालिए, ग्रेवी बहुत ही अच्छा कलर आएगा ग्रेवी में। इसमें जो कोफ्ता देखिए इतना अच्छी तरह से पक के रेडी हुआ है, और इसमें से बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है मलाई
कोफ्ते और ग्रेवी का मिला के एक अच्छा सा खुशबू आ रहा है। इसका जो कोफ्ता होता है इसमें बहुत ही अच्छी तरह से मसाला पक के अंदर से ही कोफ्ता का ग्रेवी का टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। तो अब मैं इसको डिश आउट करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। अब मेरा ये मलाई कोफ्ता ग्रेवी मैंने डिश आउट किया है। देख सकते हो आप लोग इसका जो ग्रेवी का जो मसाला है, देखिए कितना अच्छा टेक्सचर है और जो दाना दाना है एकदम मसाला। तो कोफ्ते भी उतना ही अच्छा बन के रेडी हुआ है देखिए। तो उसको आप लोग बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। ये जो बहुत ये टाइप्स का ग्रेवी जो होता है, बहुत ही मसाला वाला ग्रेवी और बहुत ही अच्छा बन के रेडी होता है। अगर आप लोगों को ऑयल थोड़ा कम डालना है तो 1 टेबलस्पून ऑयल करके 1 टेबलस्पून मलाई करके बना सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को ऑयल कम लगेगा, बट आफ्टर ऑल ये जो ग्रेवी होता है ये मसाला ज़्यादा होने से ही अच्छा लगता है। तो बना के ज़रूर ट्राई कीजिए।